आज की इस बेसिक लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स तो देखिए बोर्ड पर आप एक पूरा डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको वेरियस एसेट्स के बारे में समझाने जा रहा हूं तो देखिए जब आप इंटरनेशनल कोर्सेज को कर रहे हैं तो आपको हर चीज को माइन्यूटली क्या करना पड़ेगा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में क्लासिफिकेशन को समझे हम फाइनेंशियल एसेट्स नॉन फाइनेंशियल एसेट्स मॉनेटरी एसेट्स नॉन मॉनेटरी एसेट्स करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स इन सबकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आप देखते से ही पहचान जाए कि कौन सी एसेट्स के बारे में बात हैं। तो एक, एक करके हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स तो देखिए फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है ऐसी एसेट्स जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और अनदर यहां पर आप वर्ड नोट कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मतलब ऐसी एसेट जो आपको किसी से कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right के थ्रू रिसीव करनी हो लेट से आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया तो वो आपकी बुक्स में क्या बन गया डेटर्स बन गया अकाउंट रिसीवेबल बन गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना आपके और आपके गुड्स के बायर के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right है कि आपने उसको गुड्स डिलीवर किया बदले में वो आपको पैसा देने वाला तो ऐसी एसेट्स जो कॉन्ट्रैक्ट राइट right के थ्रू डिराइव होती है उसी को हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो आपने इन्वेस्टमेंट किया कॉन्ट्रेक्ल राइट right है कि आपके पास उस कंपनी के इतने आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल कैश अपने आप में क्या है एक फाइनेंशियल एसेट से लोन और एडवांस आपने किसी को दिया उसको हम क्या बोलेंगे फाइनेंशियल तो हर वो एसेट जिसमें आपको राइट टू रिसीव हो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट तो अगर कोई एसेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिराइव होती है उसी एसेट्स को हम क्या बोलते, है? बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स बोलते तो जितनी भी एसेट्स अदर देन कॉन्ट्रेक्टुअल राइट होंगी वो कौन सी कहलाएंगी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स तो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के साथ में एक वर्ड आ रहा है फिजिकल जो अपनी वैल्यू फिजिकली डिराइव करती हो जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं तो फिजिकल सब्सटेंस जिन एसेट्स का होता है लाइक like इक्विपमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग है गोल्ड है स्टॉक है फर्नीचर है पीपी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट ये सब क्या है आपकी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स तो ध्यान रखिए आने वाले समय में जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे यूएस गैप में जैसे यूएस सीपीएस सीएमए आईएफआरएस के करिकुलम में है तो यहां पर डेफिनेशन आएगी फाइनेंशियल एसेट्स वर्सेस नॉन फाइनेंशियल एसेट्स आईएस 21 कवर करता है फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में तो अब आपको समझ में आ गया कि सर ऐसी एसेट्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के थ्रू हमने किसी को लोन दिया तो हमें उससे रिकवर करना है तो वो भी क्या हो गई हमारी फाइनेंशियल एसेट्स हो गई उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है मॉनेटरी आइटम वर्सेस नॉन मॉनेटरी आइटम मैंने यहां पर एसेट नहीं लिखा मैंने आइटम लिखा है लेकिन एसेट के कॉन्टेक्ट में भी हम इसको डिस्कस कर तो मॉनेटरी आइटम इज एन एसेट्स और लाइबिलिटी कैरिंग वैल्यू इन डॉलर विल नॉट चेंज इन फ्यूचर मतलब जब आपको कोई एसेट्स लेना हो उसकी डॉलर वैल्यू फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाली ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं ऐसी आइटम को हम बोलते हैं मॉनेटरी आइटम मतलब और अगर अच्छे से समझें प्री डिटरमाइंड अमाउंट आपको किसी से रिसीव करना हो जैसे अकाउंट रिसीवेबल या आपने किसी को सेवेंटी थाउजेंड का गुड सेल किया तो एक साल बाद भी अगर अभी आपका पैसा नहीं मिला है तो बुक्स में तो सत्तर हजार रुपए ही उसको कैरी करोगे ना प्री डिटरमाइंड अमाउंट से जो आपको रिसीवेबल है फिक्स अमाउंट जो आपको मिलने वाला है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी आइटम्स तो जितने भी रिसीवेबल्स पेबल्स होते हैं वो सब क्या है आपके मॉनेटरी आइटम्स सर हमने किसी को लोन दिया हमको मालूम है कि हमारी बुक्स में आज लोन लेट से ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर का है तो एक साल बाद भी वो ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर का ही होगा ना लेकिन सोचिए स्टॉक है आपकी बुक्स में स्टॉक आ रहा है इन्वेंट्रीज क्या आप हंड्रेड परसेंट सर्टन है कि टेन थाउजेंड का स्टॉक जो है वो आज से एक साल बाद भी टेन थाउजेंड में ही बिकेगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगी आपकी नॉन मॉनेटरी एसेट्स तो मॉनेटरी एसेट्स की डेफिनेशन ही क्या बोल रही है एसेट्स और लाइबिलिटी कैरिंग वैल्यू इन डॉलर दैट विल नॉट चेंज इन दूचर उसकी वैल्यू फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाली तो यहाँ पे लाइबिलिटी को भी कंसिडर किया मॉनिटरी आइटम में हम लाइबिलिटी मतलब सर अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर्स लोन पेबल वेजेस आउटस्टैंडिंग ये सब क्या है आपकी फिक्स अमाउंट प्री डिटरमाइंड अमाउंट जितना आपको पे करना हो या जितना आपको रिसीव करना हो वो आपका क्या कहलाता है मॉनेटरी आइटम में कंसिडर किया जाता है उसके बाद एग्जाम्पल मैंने दिए सर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इन्वेंट्रीज किसी कंपनी के बॉन्ड शेयर वो आपको क्या कहलाएंगे सर इन्वेस्टमेंट किया है हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती है फ्यूचर में चेंज हो जाए तो ये सब क्या है आपके नॉन मॉनेटरी आइटम मॉनेटरी आइटम मतलब डेटर्स बिल्स रिसीवेबल लोन एडवांस तो जो एक फिक्स अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वो ये तो आप सभी जानते होंगे कि सर ऐसी जो कि हमें कैश में रिलाइज हो जाए विदिन वन ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल यूएस गैप के अकॉर्डिंग व्हिच एवर इज longer मतलब ऐसी एसेट्स जो कि अब एक साल के अंदर या कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल दोनों में से जो ज्यादा है उसमें रिकवर कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स अब आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है सर ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जितने पीरियड में हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलते हैं फिनिश गुड्स को सेल्स में बदलते हैं सेल्स को अकाउंट रिसीवेबल में बदलते हैं और उस अकाउंट रिसीवेबल से कैश में कन्वर्ट करते हैं मतलब रॉ मटेरियल जो आपका है वो कितनी जल्दी आपका कैश में कन्वर्ट होता है जितना पीरियड लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल आप सभी जानते हैं कि पहले रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा फिर उसको बेचेंगे तो सेल्स होगी और वो सेल्स का पैसा आपको रिकवर होगा तो जो टेन्योर लग रहा है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल तो ऐसी एसेट्स जो वन ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल एस पर यूएस गैप यहां पे मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं एस पर यूएस गैप तो करंट एसेट्स विच इज गोइंग टू बी विद इन वन ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर उसके अलावा जो भी होगी वो नॉन करंट होगी सर तो सर नॉन करंट में क्या क्या आ सकती लॉन्ग टर्म लोन जो आपके हैं आपने किसी को एक साल से ज्यादा के लिए लोन दिया है तो वो क्या है आपके लिए दिया है मैं लिया हूं बात नहीं करूं नॉन करंट अंट में फिक्स जितनी भी हो गई आपकी वो सब क्या है नॉन करेंट असेट्स की डेफिनेशन में फॉलो होती है तो ऐसे बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी फाइनेंशियल असेट्स नॉन फाइनेंशियल ये सारा नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी चलिए आगे बढ़ते हैं